हेलो माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज आपके साथ मैं पर्पल शॉपिंग हॉल भी आपके साथ शेयर करूंगी। पर्पल से मैंने काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट मंगाए हैं जो कि इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड पर्पल पर काफ़ी सारे डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, आप भी वहाँ से खरीद सकते हैं और डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पर्पल शॉपिंग हॉल जो मैंने पर्पल से परचेज किया है, मुझे जस्ट आधा घंटे पहले मुझे भी रिसीव हुआ है। और फ्रेंड, मैंने अभी दो सामान मेरा भी इन्हें खोला भी नहीं है, तो मैं फ्रेंड एक एक करके आपको दिखाती हूँ सारा सामान जो जो मैंने मंगाया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को खोलती हूँ। ये एक बॉडी लोशन है और मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा बॉडी लोशन है। इसको मैं एक बार खोल लेती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये नेचुरली का बॉडी लोशन है, ये मेरा सेकंड बॉटल है। मुझे बहुत ही बढ़िया ही मॉइस्चराइजर लगता है और स्किन को काफ़ी हाइड्रेट रखता है, काफ़ी स्किन को काफ़ी मॉइस्चर रखता है। इसका फ्रेंड मैं आपको डिटेल रिव्यू आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इसका मैं अलग से रिव्यू करूंगी और उसमें आपको बताऊंगी इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो मैंने एक तो ये बॉडी लोशन मंगाया है और सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड देखिए, पर्पल की तरफ से मुझे एक छोटा सा सैशे मिला है, एल्फ गुडनेस का हेयर फॉल शैम्पू का छोटा सा सैशे है, ताकि मैं इसको एक बार ट्राई करके देखूँ ये शैम्पू कैसा है। अगर आप पर्पल से कोई भी काफ़ी सारा सामान खरीदते तो आपको छोटा मोटा ऐसा गिफ्ट वो देते ही रहते हैं, तो ये मुझे मिला है। देखते हुए कैसा है शैम्पू। फ्रेंड, ये मेरा सेकेंड बॉक्स, इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और फ्रेंड, ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी खोला हुआ था तो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। और फ्रेंड, मैं जितने भी सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगी इसको डिटेल में आपको मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट आपको सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, ये पॉन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है जो कि आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोई लुक भी देता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये भी मेरा सेकेंड जार है, बॉटल जो भी आप कह सकते हैं, ये मैंने मंगाया है। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसका कैसा टेक्सचर है। फ्रेंड, ये है पॉन्स का जेल मॉइस्चराइजर, ये जेल शेप में आता है, बहुत ही लाइट वेट है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल आपके फेस पे बिल्कुल पता भी नहीं लगता अच्छे और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड, इसको आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको तीसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ खोल के। फ्रेंड, तीसरा मेरा प्रोडक्ट ये है, इसको ये भी एक बॉडी लोशन है, ये भी LCC का बॉडी लोशन है। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, काफ़ी इसका रिव्यू मैंने देखा था, मुझे लगा इसको एक बार मंगा के ट्राई करना चाहिए। फ्रेंड, ये मेरा तीसरा प्रोडक्ट VLCC का बॉडी लोशन जो मैंने पर्पल से मंगाया है। और फ्रेंड, ये भी आपकी स्किन को काफ़ी नरिशिंग देता है, काफ़ी स्किन को ब्राइटनिंग करता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें आलमंड हनी है और ये आपकी स्किन ब्राइटनिंग करता है। और फ्रेंड, इसका रिव्यू मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी मैंने पढ़ा इसके रिव्यू में काफ़ी बढ़िया था, तो मुझे लगा एक बार इसको ट्राई करना चाहिए, तो मैंने इसको लिया है पर्पल से। ये भी आपकी बरसात के रेनी सीजन के लिए काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्किन काफ़ी आपकी ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड, ये मेरा तीसरा बॉक्स जो मैंने पर्पल से मंगाया है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसमें और क्या क्या सामान मैंने मंगाया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करूँगी, यहाँ पे मैंने भृंगराज का पाउडर मंगाया है अपने बालों के लिए, क्योंकि फ्रेंड रेनी सीजन चल रहा है तो बालों का काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि हेयर फॉल हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये भृंगराज पाउडर मंगाया है, ये मैंने एल्फ गुडनेस का मंगाया है। फ्रेंड, मेरा दूसरा प्रोडक्ट है एल्फ गुडनेस का ऑप्टन पाउडर, अगेन ये भी पाउडर है, ये मैंने स्पेशली फेस के लिए मंगाया है, क्योंकि मुझे काफ़ी ओपन पोर्स हैं और काफ़ी मेरी स्किन को टाइट करने के लिए और एक अच्छा से लुक देने के लिए और मेरे जो थोड़ा सा बहुत एक्ने प्रॉब्लम उनको भी ख़त्म करने के लिए मैंने इसको मंगाया है। और क्योंकि फ्रेंड ये केमिकल फ्री है तो मुझे एल्फ गुडनेस के पाउडर काफ़ी बढ़िया लगते हैं, तो मैंने ये भी इसको मंगाया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने रोज़ पेटल का पाउडर मंगाया है, इस ये पाउडर भी आप हेयर पे और फेस पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये तीन पाउडर और हैं, ये है फ्रेंड अगेन आंवला का पाउडर मैंने मंगाया है, ये ब्लैक हेयर कलर है, मैंने स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए मंगाया है, उनके बाल काफ़ी सारे सफ़ेद हो गए, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पानी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उसके वजह से बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने ये नेचुरली ब्लैक हेयर कलर मंगवाया जिसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है और ये आपके बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करता है, तो मैं इसको एक बार ट्राई करती हूँ, तो मैंने इसको मंगाया है। और फ्रेंड, ये है आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर जो कि आप अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, ये है आंवला पाउडर, ये भी अगेन बालों के लिए ये मंगाया मैंने।
फ्रेंड ये है ब्लू हेवन का फ्रेंड आईब्रो इन्हेंसर, ये पेंसिल भी है, इसमें आपको एक कॉम्बी मिलता है, तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। फ्रेंड ये है ब्लू हेवन का आईब्रो इन्हेंसर, जो कि इसमें पेंसिल भी आपको मिलता है और आपको इसमें कॉम्ब भी मिलता है, जिससे आप अपनी आईब्रो को अच्छे सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत टाइट है खोलने में, इसको दिखाती हूँ कैसा है। इसमें मैंने ब्राउन शीट मंगाया है फ्रेंड, ये बस ओके ओके है, उतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लग रहा है, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा है, बट ठीक है काम चला हुआ है, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट फ्रेंड बस ठीक है काम चला हुआ है लगा मुझे बस। मुझे मैंने ब्लू हेवन के प्रोडक्ट कभी यूज़ नहीं किए हैं, बट मैंने पहली बार इसको मंगाया है, तो ये मुझे काफ़ी ओके ओके लग रहा है, बाकी देखते हैं कैसा चलेगा ये। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स के, मैंने मंगाया है बायोटिक का बाई रोज पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर। ये फ्रेंड मैंने टोनर मंगाया है स्पेशली आपके पोर को टाइट करने के लिए, जो आपके ओपन पोर्स होते हैं ना उनको क्लोज करने के लिए, ताकि आपकी स्किन थोड़ी टाइट लगे, और आपका स्किन मतलब आपके ओपन पोर्स होते हैं तो स्किन काफ़ी गंदी लगती है, तो उसके लिए मैंने ये टोनर मंगाया है फ्रेंड्स को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। फ्रेंड ये है बायोटिक का बाई रोज टोनर, ये बहुत ही बढ़िया टोनर है, मैंने इससे पहले भी इसका कोकम्बर वाला टोनर यूज़ किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इस बार ये वाला टोनर मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि ये आपकी पोर को जो आपके ओपन पोर होते हैं उनको टाइट करता है और आपको स्किन को काफ़ी ग्लो देता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ मैंने और क्या मंगाया है। फ्रेंड मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायोटिक का बायो माउंटेन एबोनी। ये फ्रेंड एक सीरम है जो कि हेयर फॉल के लिए है स्पेशली, अगर फ्रेंड आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि रेनी सीजन चल रहा है, तो हमें बाल में काफ़ी ज़्यादा पसीने की वजह से काफ़ी सारा डैंड्रफ हो जाता है और काफ़ी सारे बालों हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ये दूर करता है। मैं इसको आपको खुल के भी दिखाती हूँ और फ्रेंड इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है, इसकी खुशबू मुझे बहुत बढ़िया लगती है। ये मेरा चौथा बॉटल है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, और इसका जो टेक्स्चर है फ्रेंड बिल्कुल वाटरी है और बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स को आप ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट मैंने मंगाया है नेक्स्ट फ्रेंड मैंने मंगाया है लिवॉन का हेयर सीरम। ये मैंने स्पेशली मेरे बाल में काफ़ी सारी फ्रिजीनेस है, तो उसके लिए मैंने मंगाया, जैसे कभी मुझे बाहर जाना होता है तो मेरे बाल काफ़ी बिल्कुल फ्रिजी हो जाते हैं, तो उसको ये आपके बाल को बिल्कुल सेट कर देता है, आपके बालों में जो भी फ्रिजीनेस को ख़त्म कर देता है, तो लिवॉन का आपको पता ही फ्रिजीनेस के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ये प्रोडक्ट छूट ही गया था फ्रेंड, ये देखिए जो मैंने पाउडर मंगाए थे ना कुछ के उसमें थे कि मेथी पाउडर, ये भी फ्रेंड ये आपके ये बालों के लिए भी अच्छा है और फेस के लिए भी अच्छा है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड ये दो मैंने लिप बाम मंगाए हैं पर्पल, जो मुझे काफ़ी क्यूट से लगते हैं, इसमें एक मैंगो फ्लेवर है, इसमें एक वनीला फ्लेवर है, इसमें आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड काफ़ी मुझे क्यूट लगते हैं, काफ़ी बिल्कुल ट्रेवल फ्रेंडली हैं, इसको आप इजीली अपने पर्स में रख सकते हैं, बहुत ही क्यूट हैं और आपकी स्किन को फ्रेंड बहुत मॉइस्चराइज रखते हैं, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती आपकी लिप पे, बहुत ही बढ़िया है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में फ्रेंड ये दो प्रोडक्ट मेरे बच्चे हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी, ये है बायोटिका कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम और ये है पपाया का फेस स्क्रब। मेरे पास फेस स्क्रब ख़त्म हो गया था फ्रेंड, मैंने बायोटिका मंगाया है, और ये फ्रेंड ये कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम है बायोटिक की, क्योंकि बायोटिक के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, तो मैं स्पेशली ज़्यादातर मैं इनको यूज़ करती हूँ, और ये वाला मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसका भी फ्रेंड मैं अलग से रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी इसके बारे में। फ्रेंड देखिए ये क्रीम बिल्कुल वाइट कलर का टेक्स्चर है। फ्रेंड ये मेरा पर्पल शॉपिंग हॉल, जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट आपको दिखाए हैं जो जो मैंने मंगाया है स्किन से रिलेटेड, और फ्रेंड ये इन प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं पर्पल से। तो फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपकी हेल्पफुल रहे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फ्रेंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय, लव यू।